हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन रहेगा कि शून्यक निकालिए, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले बहुपद में द्विघात बहुपद क्या है, तो इसका एक मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां एक्स का घात कितना है 2, ठीक है ना, अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना बहुपद में कभी 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना, यानी बहुपद में हम 0 के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि वो समीकरण बन जाता है। मैं यदि यहां बात करूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो ए है, ठीक है, एक्स का गुणांक कहूं तो बी है, और यहां अचर पद कहूं तो सी है। इतना आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद सी है, ठीक है। आपको दो फार्मूला याद रखना है कि जब इसके 2 शून्यक होंगे, यदि वर्ग समीकरण है, जैसे यहां पर द्विघात बहुपद है मतलब घात 2 है, तो शून्यक 2 होंगे, अधिकतम घात जितना होता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक प्राप्त होते हैं, और एक वर्ग समीकरण भी होता है उसके भी यही कंडीशन होते हैं। तो यदि मैं बात करूं कि इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, तो शून्यकों का योगफल, फार्मूला आपको याद रखना है, शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। अब आप ही बताइए माइनस बी क्या है स्टूडेंट, तो एक्स का गुणांक है, तो माइनस रहने दें, तो एक्स का गुणांक है, ठीक है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और यदि मैं आपसे कहूं ए किसका गुणांक है, तो ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ध्यान रखना है यदि यहां पर बाई होता तो बाई लेकर चलते, ठीक है, यह शून्यकों का योगफल हो गया। एक और फार्मूला आपको याद रखना है यहां पर, शून्यकों का क्या गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है सी बटे ए। अब आप ही बताइए सी क्या है, यहाँ पे अचर पद है, सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है स्टूडेंट, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये फार्मूला आपको लगाना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन पे लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे ए, जब भी शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो बी बटे ए प्रूव करेंगे, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए प्रूव करेंगे, और यही संबंध हमको लगाना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसमें 6 क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो हम हल करने जा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ बहुपद है, इसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालते समय इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक पहले देखना है कितना है, 1 है, तो जो भी गुणांक 1 हो उसे अचर पद के साथ गुणा कर दें, तो 1 गुणे 8 बराबर कितना होता है, 8। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 है। तो देखिए गुणनखंड का मैंने वीडियो बनाया है, लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा, उसे देख लेना, तो गुणनखंड आसानी से आप कर पाएंगे। तो मैं यदि आपसे कह दूं कि यदि मैं 4 ले लूं और 2, तो 4 में 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा और 4 दूनी 8 आएगा, और एक्स है तो एक्स लिख दिया माइनस 8। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 को 8 से गुणा किया तो 8 एक का माठ आया, फिर मैंने 8 के ही दो फैक्टर ले लिए मतलब गुणनखंड ले लिए, तो 4 दूनी 8 और 4 में 2 घटाया तो 2 आया, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व कर तो एक्स स्क्वायर, यदि मैं 4 का एक्स से गुणा करूंगा तो 4x होगा स्टूडेंट, ऋण का ऋण से तो धन हो जाएगा, 2 का एक्स से तो 2x माइनस 8, इतना हो गया। अब करना क्या है, x कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस 4, फिर इसमें दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ध्यान दें, तो 2 और 2 चौको 8, तो 2 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x और यहां 2 चौको 8 बचेगा, ठीक है। अब देखें एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 दो जगह है, तो इसको मैं बाहर ले लूं तो यहां बचेगा एक्स और यहां बचेगा 2, तो एक्स प्लस 2 हो गया, इतना क्लियर हो गया। ये आपका क्या प्राप्त हुआ, तो ये अभी जो भी बहुपद था उसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। गुणनखंड के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी शून्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर लगा करके इसके शून्यक निकालेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का मान शून्य कब होगा, का मान शून्य होगा, शून्य होगा कब होगा, शून्य होगा
या तो कितना हो, x माइनस चार बराबर जीरो हो या इसके बराबर जीरो हो, अथवा आपका x प्लस टू बराबर जीरो हो। जब दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगा तभी तो इसका मान शून्य होगा। मतलब x बराबर प्लस चार हो जाएगा ना, माइनस का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर यदि मैं पक्षांतर कर दूं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। मतलब आपके पास दो एक्स की वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। और यही जो एक्स के वैल्यू हैं, यही क्या है, तो यही शून्य है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के शून्य, कौन कौन से स्टूडेंट, तो एक आपके हो चुके हैं, चार प्राप्त हुआ और माइनस टू होंगे। पूरा सिस्टम से बता रहा हूं, आप किसी भी बोर्ड से हो, एनसीईआरटी पैटर्न हर जगह लागू है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो पूरा आप पूरा विधिवत लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दो चेक करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य कितने आपके पास, एक तो प्लस फोर है और योग करना है माइनस टू। अब आप ही बताइए कितना आएगा, तो चार धन का ऋण से गुणा, तो ऋण माइनस दो, तो कितना आएगा ये दो। ध्यान रखना है शून्यकों का योग आपने देखा कि माइनस बी बटे एक, तो क्या माइनस बी आपके पास है, ये तो क्या माइनस है, नहीं है ना, तो माइनस का गुणा अंदर भी और बाहर, और ए का मान नहीं है तो बटे एक हमने कर दिया। देखिए क्वेश्चन से समझेंगे, हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक्स का गुणांक बी कहलाता, तो यहां बी का मान माइनस दो है, तो यही हमको वही चीज सिद्ध करना था। तो यहां पर देखिए तो माइनस है तो माइनस, और ये बी का मान है, ये बी का मान है और ये ए का मान है, और आपका सिद्ध हो चुका है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, बटे सॉरी ये एक्स का गुणांक है और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैंने फार्मूला में आपको बताया था कि एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये आपका शून्यकों का योग हो गया। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्रूव हो जाना चाहिए कि सी का मान जैसे अचर पद आठ है तो आठ हो जाना चाहिए, तो चार गुणे माइनस दो कितना आएगा, माइनस आठ। अब आप ही बताइए जो माइनस आठ है सी का मान है कि नहीं, बिल्कुल हाँ, इसको बटे हम एक कर सकते हैं, एक क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना था, तो ये सी का मान है और ये ए का मान है, मतलब सी हो गया आपका अचर पद, क्या हो गया अचर पद, और ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यही प्रूव करना था, क्वेश्चन में देके रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो बी का मान माइनस दो, सी का मान माइनस आठ, तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट बी का मान माइनस दो, सी का मान माइनस आठ आया है, यानी हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल प्रूव हो चुका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब यहां पर x था, यहां पर s है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था s स्क्वायर का जो भी गुणांक है तो उसको एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए अचर पद से, तो चार एक कम चार हुआ। अब हमें चार के ही दो फैक्टर लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर चार आए और गुणा करने पर चार आए, ठीक है। तो ध्यान दें हम यहां पर ले रहे हैं दो प्लस दो, दो प्लस दो, दो दूनी चार, और दो जोड़ेंगे तो चार, यहां s है तो s, प्लस वन तो प्लस वन। यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है, फोर एस स्क्वायर, मैं एस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो इसी प्रकार पांच आप समझ बैठेंगे, दो का एस से मल्टीप्लाई दो एस, फिर माइनस का प्लस से तो माइनस, दो का एस से तो दो एस प्लस वन। अब देखिए यहां पे दो दूनी चार और दो, तो दो कॉमन आ जाएगा, दोनों में एस है तो एस कॉमन लें, तो यहां पर बचेगा दो एस, और यहां पर दो एस बाहर आ गया तो माइनस वन, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो माइनस है और कुछ कॉमन है तो एक ले लें कॉमन, तो दो एस है। जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब दो एस माइनस दो जगह है, दो एस माइनस वन, तो इसको मैंने कॉमन ले तो यहां पर बचा दो एस माइनस वन। इतना क्लियर हो गया, तो आपका एक गुणनखंड हो चुका है। अब इसके हमको शून्य निकालना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं चूंकि फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन का मान क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा यदि कितना हो
यदि या जीरो या तो या जीरो हो जाए, मतलब 2s माइनस 1 जीरो हो जाए बराबर में, अथवा 2s माइनस 1 बराबर जीरो। तो यहां से यदि मैं 2s बराबर निकालना चाहूं तो 1, तो s बराबर 1 बटे 2 आएगा। यहां से यदि मैं 2s 1 बराबर 2s बराबर निकालना चाहूं तो माइनस का हो जाए प्लस, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 2। दोनों में s बराबर कितने आ गए आपके पास 1 बटे 2। अतः यदि मैं कहूं कि 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 के शून्य कौन कौन से 1 बटे 2 व 1 बटे 2 होंगी, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। सही है या गलत इसके लिए हमको जांच करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जांच। जांच में हमारा सही होना चाहिए। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल स्टूडेंट। तो दो शून्य का आपके पास है, एक तो 1 बटे 2 और दूसरा भी 1 बटे 2 है, दोनों सेम है, तो क्या करें आप कि जोड़ दें। दो दो का एलसीएम 2 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर 2 बटे 2। अब यहां पर हमको यह देखना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला माइनस बी बटे ए, तो ना तो माइनस है और बी का मान देख लें स्टूडेंट, बी का मान हमारे पास माइनस 4 है। एस का गुणांक ही यहां माइनस, यहां एस का गुणांक ही बी का मान है, तो माइनस 4 होना चाहिए, तो माइनस 4 नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं, 2 का ऊपर भी गुणा कर दें और 2 का नीचे भी, तो 4 हो गया ना, 2 दूनी 4। और यदि मैं कह देता कि माइनस का गुणा करके बाहर माइनस ले लेते, अब तो हो चुका बी का मान, बी हमें बनाना है ध्यान रखना, तो ये माइनस है तो माइनस, और बी का मान माइनस 4 है तो बी के जगह माइनस 4 है, तो बी हम लिख दिए। और ये जो 4 का मान है, ए का मान है, आप देख सकते हैं एस स्क्वायर का गुणांक है। अब यहां माइनस बी यानी माइनस बी का मान है, किसका गुणांक है? एस का गुणांक है। यहां एक्स नहीं लिखना है आपको, यहां एस का गुणांक है बटे एस स्क्वायर का गुणांक, यहां एक्स नहीं लिखना है स्टूडेंट, क्वेश्चन में ध्यान रखना है एस स्क्वायर का गुणांक हुआ। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आपके पास दो शून्य दे के रखे हैं, कौन कौन से? 1/2 गुणे 1/2, कुल मिलाकर 1 1 कम 1 2 2 4। एक अचर पद है कि नहीं? बिल्कुल है। ये जो आपका 4 है ए है कि नहीं? बिल्कुल है। और सी आपका है अचर पद, सी क्या है आपका? अचर पद। और ए क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आपको शून्यक निकालने हैं गुणनखंड करके, इसके बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाहे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, बस यहां ध्यान रखना है कि वर्ग है कि नहीं है, द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो जब द्विघात बहुपद होंगे तो आपको पहले गुणनखंड करना है, उसके दो शून्यक निकाल देने हैं, इसके बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आपके लिए क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो पहले अरेंज इसको कर लो, तो 6x² - 7x - 3 ऐसा हमने अरेंज कर लिया। सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी a का मान हो उसे अचर पद से गुणा कर दो, आ गया 36 18। अब जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए, ऐसे दो फैक्टर ले लो। तो ले लो भैया, 9 में हमने यदि 2 घटाया तो 7 आया और 9 2 18 आया, ऐसा हमने कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 का एक्स से तो 9x और ऋण का गुणा ऋण से तो धन हो जाएगा, 2 का एक्स से 2x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर आपका 6 है, यहां पर 9 है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आ रहा है और एक्स, तो 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो जी हां, केवल 1 कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आता। अब एक काम करें, 2x - 3 2x - 3 तो इनको बाहर ले लें, यहां पर बचेगा आपके पास 3x और धन 1। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, चूंकि 6x² - 7x - 3 का मान शून्य होगा। कब शून्य होगा? यदि, ध्यान रखें, यदि 2x - 3 = 0 हो,
या तो इसके बराबर जीरो हो जाए अथवा 3x धन 1 बराबर जीरो होगा, तभी ना इनमें हम जीरो रखेंगे तो शून्य होगा, जीरो के बराबर होगा। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 3 इधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, यदि यहां पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यदि इसकी बात की जाए तो 3x इक्वल माइनस 1 और यदि x बराबर तो माइनस 1 बाई 3। अतः अतः बहुपद, कौन सा बहुपद है आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 के शून्य कौन कौन से हैं, एक तो 3 बटे 2 व एक माइनस 1 बटे 3 होंगी, ठीक है ना। ये आपके पास दो शून्य हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो पहला स्टेप आपका, अब लिखना है आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है, तो 3/2 जोड़ना है तो प्लस करके माइनस 1/3, कुल मिलाकर 3/2 और माइनस 1/3। देखिए 3 और 2 का जो एलसीएम होता है 6 होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6, इधर 3 का मल्टी 3 त्रिकाई 9 और इधर 2 एक कम 2, कुल मिलाकर यदि 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 6/2। अब बताइए क्या एक्स का गुणांक 7 है, नहीं है, माइनस में है, तो माइनस 7 बना लिए हमने, देखिए ना यहां पर एक्स का गुणांक माइनस 7 और माइनस अपने से लिए तो बाहर माइनस और अंदर माइनस कर देते हैं। अब आपके पास आ चुका है स्टूडेंट, ये आपका बी का मान हो चुका है माइनस 7, तो माइनस बी बटे जो आपका ए का मान आ चुका है, ए का मान 6। कुल मिलाकर यहां पर एक लाइन और लिखना था, उसको मैं लिखकर बता दे रहा हूं कि आपका होता है ये किसका गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिएगा, और आपका ये जो है एक्स का गुणांक, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा आप कंबाइन कर लीजिएगा। चलिए ये आपका माइनस भी एक्स का गुणांक है, हर क्वेश्चन की तरह है। अब हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पूरा सिस्टम से बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट। शून्यकों का गुणनफल तो आपके पास था 3/2 गुणे माइनस 1/3, तो यदि किया जाए तो माइनस 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। वास्तव में ये सी का मान है क्या, जी हाँ है, और 6 ए का मान है, जी हाँ बिल्कुल है, तो सी जो है आपका अचर पद है और ए जो है स्टूडेंट वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, यहां पर भी ये जो एक्स स्क्वायर ही लेना था, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव हो चुका, पहले शून्यक निकालो, फिर शून्यकों का योगफल निकाल दो, शून्यकों का गुणनफल। प्रत्येक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन हो गए, अभी 3 क्वेश्चन और है, सभी करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अंत तक बने रहे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 4u² + 8u, और यहां पर यदि मैं अचर बात करूं तो अचर पद है नहीं है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से मैं दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, तो 4u कॉमन ले लूं, तो यहां पर बचेगा u और 4 दूनी 8, जीरो है कोई मतलब नहीं, बस गुणनखंड कंप्लीट हो गया। 4u है ये, 4 देखिए मैं इसको इसलिए इस प्रकार बनाया हूं ताकि यू और 4 में आपका डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा छोटा ही सॉल्व होगा, क्योंकि 4u² + 8u का मान शून्य होगा, शून्य होगा यदि कब, या तो 4u बराबर जीरो हो अथवा अथवा u+2 = 0 हो, ठीक है ना। यहां पर u का मान निकलेगा स्टूडेंट 0, 4 का मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यहां का u का मान आएगा -2, कुल मिलाकर शून्य आए आपके पास 4u² + 8u के दो शून्य, एक तो आपका 0 और -2 होंगे, बस आसानी से कर दिया अपन ने, 1 मिनट में इतना कंप्लीट। अब आपको निकालना क्या, शून्यकों का योगफल, बाकी प्रोसेस तो आपने समझ लिया होगा, दोनों का योगफल मतलब 0 और -2 मल्टीप्लाई कर दे तो -2 आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, ये जो ऊपर आता है योगफल, बी का मान आता है, और बी का मान हमारे पास 8 है,
एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि चार का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो 8 आएगा, और 4 का 4 एकम 4 आएगा, 4 ऊपर और 4 नीचे गुणा कर दिया हमने। अब देखा कि जो -8 है तो ये माइनस है, 8 जो है बी का मान है, और यहां पर देखें ए का मान कितना है, 4 है, तो यहां पर मैंने कर दिया ए। कुल मिलाकर आपका आ गया, ये जो है यू का गुणांक है, तो यू का गुणांक एक्स यहां पे नहीं है ना, और नीचे यू स्क्वायर का गुणांक। इतना तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, यू का गुणांक और यू स्क्वायर का गुणांक कैसे अपन ने निकाला। चलिए अब हमको निकालना था क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो एक शून्य 0 है, 1 -2, कुल मिलाकर 0 आ गया। अब 0 आ गया, 0 तो अचर पद है, बिल्कुल जी हाँ, लेकिन हमारे पास 4 नहीं, तो 0/4 करने में क्या प्रॉब्लम मेरे भाई। तो 0 सी का मान है और 4 क्या है, ए का मान है, मतलब आपका अचर पद आ गया, और जो ए है वो यू स्क्वायर का गुणांक है। मुझे क्या दिक्कत, मुझे प्रूफ करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 4 का डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर 0 के साथ कुछ भी करोगे 0 आएगा, इसलिए मैं 0/4 लिख सका, क्योंकि ए का मान मुझे बनाना था। मुझे प्रूफ भी तो करना है ना कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, फार्मूले पे सेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर पांचवा हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए आपके, t²-15। चलो अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा भाई, तो एक काम करते हैं ना, √15 का स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट। अब चूंकि आपको पता होगा a²-b² का क्या होता है फार्मूला, a - b और a+b, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहां पर मैं a² और b² का फार्मूला लगा दूं, तो a - b मतलब t - √15 और t + √15, ये हो गया आपका। अब आपके पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं, तो यहां पर आपको सेम लिखना है, क्योंकि t²-15 का मान शून्य होगा यदि यदि कितना हो जाए t - √15 = 0 अथवा t + √15 = 0। तो ध्यान दें, एक तो मान आएगा t = √15, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और एक आएगा t = -√15, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखना है आता है t²-15 के 2 शून्यक कौन कौन से होंगे, एक तो -√15 व +√15 होंगे, 2 शून्यक आ चुके हैं। अब हमको निकालना क्या स्टूडेंट, तो शून्यक का योगफल और शून्यक का गुणनफल। तो सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो कितना होगा योगफल, एक तो √15 है और एक -√15 है, इसको यदि करें तो 0 आ गया। अब यहां पर आपको समस्या होगा ना, क्या यहां पर, यहां t² है तो x नहीं लेंगे, क्या t का गुणांक है, क्या t का गुणांक तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो 0, ये तो बात सही है, बटे 1 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपके पास माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है, और ये ए का मान t² का गुणांक, तो ए का वैल्यू है, कुल मिलाकर -t का गुणांक और नीचे t² का गुणांक, यहां पर ऐसा आप कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल आ चुका, अब निकालना था आपको शून्यकों का गुणनफल। क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब √15 × -√15, कुल मिलाकर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √15/1 कर सकते हैं, और -15/15 तो मान सी का मान है स्टूडेंट, देखे तो बिल्कुल जी हाँ, तो c/a आ चुका है, कुल मिलाकर के अचर पद सी का मान, और a क्या है, ये आपका है t² का गुणांक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, बहुत आसान तरीके से है, और मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोग पूरा विधिवत समझ जाएं। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है लास्ट, मैं इसका शून्यक निकाल देता हूं, आप इसको चेक कर लेना, 3x²-x - 4। पहले आपको क्या करना है, 4 का 3 से गुणा कर देना है, तो 4 3 12। अब आपको ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आए, एक्स का गुणांक है ना, तो 4 में 3 और 4 3 12, ठीक है ना,
और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4x, ऋण का ऋण से गुणा तो धन हो जाता है 3x माइनस 4। कुछ कॉमन नहीं आता लेकिन x तो कॉमन आ, तो 3x माइनस 4 हो गया। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3x माइनस 4 हो गया। दोनों जगह 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 कॉमन ले, यहां पर बचा x, यहां पर बचा 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि शून्यक निकालना है, चूंकि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का मान शून्य होगा यदि यदि स्टूडेंट 3x माइनस 4 बराबर 0 हो अथवा या x प्लस 1 इक्वल 0 हो। अब आप बताएं x का मान यहां से कितना आएगा, तो 4/3 आएगा, और यहां से x का मान कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो बहुपद के दो शून्य का आपके प्राप्त हो चुके हैं, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अतः लिखना है के दो शून्य, कौन कौन से आ गए, माइनस 1 और 4/3 होंगे। कंप्लीट, इतना हो गया। अब आपको निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज यदि आपको अच्छा लगे ये सब चीज तो प्लीज लाइक कर देना यार, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। 3 × 1 = 3 तो 4 − 3/3 तो 1/3। ये आपका 1 क्या दिख रहा है, 1, जी हाँ, x का गुणांक तो 1 है लेकिन माइनस में नहीं है, तो माइनस अंदर भी बाहर भी कर देते हैं, तो आपके पास आ गया −b/a। a का मान 3 है क्या, जी हाँ है, तो आपका आ चुका है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, प्लीज लाइक करके ही जाना, मेहनत को थोड़ा सा आप लोग समझें, आप लोगों के लिए ये मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलिए, शून्यकों का गुणनफल यदि निकालना चाहे तो −1 × 4/3 कुल मिलाकर −4/3 हो गया, और ये सी का मान है √a, अर्थात ये अचर पद आ चुका है, और ये आपका आ गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आपके जो 6 क्वेश्चन थे तो पूरे कंप्लीट करा दिया मैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझे होंगे, और चैप्टर 1 की वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके प्रीवियस जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे स्टूडेंट। तो इसी प्रकार वीडियो यदि आपको पाते रहना है तो प्लीज लाइक कर देना, हिट द लाइक बटन, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये लंबी वीडियो है लेकिन कैसा लगा ये क्वेश्चन। डेफिनेट रूप से मैं कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, ऐसा कोई साल ना हो जिसमें क्वेश्चन ना आया हो स्टूडेंट। इसलिए आप लोग प्लीज प्लीज आप लोग से बार बार कहता हूं अच्छे से तैयार कर लो। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।